कहते हैं ना, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होता। मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हम लोग मस्जिद नबी के करीब आ गए। रोड है, लेकिन जिसको जहाँ पे जगह मिल रहा है वहाँ पे मसल्ला बिछा। चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और अभी जो टाइम हो रहा है 4:48 हो गया, और 6:19 में मदीना में ईद का नमाज है। और हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। 5 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में, और पहली बार इतना लेट है। और अब देखे, चलते हैं जाके देखते हैं जगह मिलता है कि नहीं। ये देखे भाई, जाना तो हम लोग को इधर से है, लेकिन इधर बंद कर दिया है। आगे में ना पूरा जाम है, इसलिए इधर बंद कर दिया है। अब हम लोग को रूट चेंज करके इधर से जाना पड़ेगा। बहुत रस है भाई, और इतना हम लेट भी हो चुके हैं ना, देखें क्या होता है। अल्लाह वालों, ये देखें मस्जिद नबी का मीनार आपको दिख रहा है ना, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में मस्जिद नबी है। लेकिन आप इधर ही आप चेक करें, पूरा इधर ही मतलब मसल्ला बिछा के सब बैठ गए, क्योंकि इन लोग को मालूम है ना कि अंदर आगे जाने से फ़ायदा नहीं है। यहाँ से आप देखें पूरा बंद है, ब्लॉक कर दिया गया है। तो यानी कि मेरे को लगता है कि 1 किलोमीटर दूरी में हम लोग को नमाज पढ़ना होगा। इधर से चलते, इधर से चलो भाई। पार्किंग तो देखे, करीब यहाँ पे लगता है कि 1000+ गाड़ी होगी। ये देखे आप भाईजान, चारों तरफ पूरा मलियान है, फूल ही फूल है भाई। हम लोग बिलाल मस्जिद तरफ आ गए हैं, लेकिन इधर भी वही से मतलब निजाम है पूरा। सब तरफ जितना आदमी नहीं है उतना यहाँ पे गाड़ी है। और अब देखिए सब इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन सब तरफ ब्लॉक है। अब ये देखिए, ये पूरा मार्केट है, इस दोनों से मार्केट है। इधर भी लोग मसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं। सामने आपका बिलाल मस्जिद का मीनार देखते होंगे। क्या करेगा कल, अब बाहर से दूसरे तरफ से जाते हैं, फिर ट्राई करते हैं दूसरी तरफ जाते हैं, उधर देखे क्या होता है। ये देखे भाई, ये रोड है, लेकिन जिसको जहाँ पे जगह मिल रहा है वहाँ पे मसल्ला बिछा दे रहे, क्या करेगा। इतने लोग बैठे नहीं, अब देखें मेन रोड है, मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल में तो हम लोग फजर का नमाज पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं मस्जिद नबी जाने का। हम लोग प्लान किए हैं अंदर अंदर जाने का। ये देखे अंदर अंदर जा रहे हैं, और देखते हैं मस्जिद जमामा है ना, उधर निकलेंगे और वहाँ पर देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो इंशाल्लाह अभी जाके देखते हैं। सब देखिए इधर उधर छटपटा रहे, ताकि मस्जिद नबी जाके नमाज पढ़ ले। मस्जिद नबी के अंदर तो जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको लगता है 3 बजे ही मस्जिद नबी जो है वो फुल हो गया होगा। तो चले देखते हैं अल्लाह आलम क्या होता है। भाई बाउंड्री तरफ कर हम लोग आए, मस्जिद नबी के अंदर तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन मस्जिद नबी के करीब आ गया। अब ये देखें मीनार दिख रहा होगा। चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ईद मुबारक, और आपके फैमिली को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह 6:20 में मदीना में नमाज था, और मक्का में 6:19 में नमाज था। गल्फ में ईद का नमाज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई इधर तो रोज मिल रहा, ये देखिए आप, इधर रोज मिल रहा, ईद के बाद रोज देके ईद का विश करे, ये प्रोग्राम है भाई अरबियों का। भाई नमाज से पहले भी रास्ता बंद था, नमाज के बाद भी रास्ता बंद है, और आप ये देखिए इधर रास्ता बंद है, कैसे जाएंगे? और अभी हम लोग का ड्यूटी है। अच्छा अभी ब्लॉक इसलिए किया हुआ था पुलिस ना, क्योंकि जो मस्जिद नबी से निकल रहे ना तो उसको निकलने में आसानी हो, ठीक है जी। और जो मस्जिद नबी यानी कि मस्जिद नबी जो बाहर है वो इन कर ना करे, अगर इन इधर से करेंगे और मस्जिद नबी जो निकल रहे वो आउट होंगे तो फिर जहमा हो जाएगा, इसलिए ब्लॉक हुआ था। आप ये देखें माहौल पूरा, आप देखें चारों तरफ नमाजी नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। भाई होटल में ऐसा रस लग रहा है फ्री में मिल रहा है, ये देखना रहा भाई कितना रस है, बहुत रस है भाई होटल में, लग रहा है फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है खाना। आप देख सकते हैं ये सफिया ब्रिज है, और इधर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम लोग को ऑफिस आ जाएगा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को ड्यूटी भी है, ड्यूटी भी करना है, मैनेजमेंट का काम, हम लोग को छुट्टी वगैरह ये सब कुछ नहीं रहता है, तो इसलिए अभी हम लोग नमाज पढ़ के ड्यूटी में जा रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद फिर दूसरा ब्लॉग जो आपका रहेगा वो वादी जिन का रहेगा इंशाल्लाह, वादी जिन भी जाने का प्लान है, लेकिन वो दूसरा ब्लॉग में आप लोग को मिलेगा। आप ये देखें रस, देखे होटल में कितना सारा रस है भाई, दबा के रस है, और अब इधर से देखें नमाज पढ़ के सब पे आ रहे हैं। अभी हम लोग को नाश्ता भी लेना है लेकिन होटल में बहुत जाम है, इसलिए अभी नहीं लेंगे, एक घंटा के बाद इंशाल्लाह आएंगे ड्यूटी से नाश्ता लेने के लिए हम लोग। मालूम है सबसे तकलीफ वाला बात क्या है? सबसे तकलीफ वाला बात है ये पहाड़ में चढ़ना, ठीक है जी, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना होगा, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे उसके बाद फिर मेरा ऑफिस आएगा। ये देखे भाई शौकीन लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहाड़ में ना आना ममनू है, लेकिन आप देखें ऊपर चढ़ के सब तस्वीर बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं इधर गाड़ी रखना भी ममनू यानी कि मना है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कहाँ तक ऊपर गाड़ी रखी हुई है, क्योंकि स्पेस यही नहीं है, 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर दूर लोग गाड़ी रख कर पैदल आ रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखे भाई साहब दोपहर का खाना आ गया, ये सामने आपका बिरयानी है, ये पाकिस्तानी मकाम का यानी कि पाकिस्तानी होटल का ये बिरयानी है, देखे नींबू उम्बू सब कुछ दिया हुआ, और इसका टेस्ट कैसा है वो अभी बताते हैं। हाँ भाई कैसा? जबरदस्त है। चले जी, और आपका भाई अभी ट्राई करता है। गोश्त तो बड़ा एकदम गला हुआ यार, चावल भी अब देखिए एकदम जूसी है, गोश्त भी एकदम गला हुआ है, तो सबसे पहले गोश्त को लेते हैं चावल के ऊपर और उसके बाद करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त टेस्ट है, पाकिस्तानी का जो होता है ना खाना डिलीशियस फूड होता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए पूरा मसाला वगैरह एकदम दिया हुआ, जबरदस्त किस्म का नींबू वगैरह दिया हुआ, बहुत इसमें मतलब मसाला दिया हुआ रहता है, एक नंबर भाई। अब खाना खाते हैं, खाना खा के उसके बाद इसका और भी फीडबैक देते हैं। जी भाई खाना तो बहुत टेस्टी था और स्पाइसी भी था, और ये था ईद का ब्लॉग, तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट करके अपना राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए आप मुझे परमिशन दें, अल्लाह हाफिज़।